चैनल तो आज की डेट है 27th of June और आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ अभी काम से बाहर, तो उससे कुछ प्लानिंग नहीं थी लेकिन अचानक से जाना पड़ रहा है तो मैं जा रही हूँ उनके साथ में, बाइक से जा रही हूँ। हम लोग, मौसम अच्छा है, बाहर धूप नहीं है और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने ये पॉलीथीन ले ली है क्योंकि बाई चांस अगर बारिश आ जाए रास्ते में तो हम अपना फ़ोन वगैरह अच्छे से कैरी कर पाएँ, इसलिए ले लिया है और पानी की बॉटल भी ले ली। तो आज मुझे ब्लाउज़ वगैरह भी डालने हैं स्टिचिंग के लिए, तो देखो शायद साधना भी आए आज क्योंकि उसको भी डालने हैं, वो भी बोल रही थी कि मैं भी डाल के देखूँगी कैसा बनाती हैं वो। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। वहाँ से लौटने में हमको 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के, मैंने ब्लॉग जो रेडी कर दिया है आप लोगों के साथ लाइव हो जाएगा, 12 बजे मेरी टाइमिंग रहती है। इससे इस ब्लॉग से फिर तो आपने वो देख ही लिया होगा और आपके साथ मुझे शॉपिंग भी अपनी शेयर की है। जैसे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या मंगाया है, तो ब्लॉग में एंड तक बनी रहिए। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। चलते हैं, घर के सारे काम हो गए, पूजा पाठ हो गई है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, एक एक चपाती खा ली है, बस चले चलते हैं, आके बनाऊंगी लंच वगैरह में, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे कोई ना। तो दोस्तों घर से निकलते ही किए गौ माता के दर्शन और अभी हम लोग निकल गए हैं, रास्ते का व्यू है ये। अभी ग्वालियर से बाहर नहीं निकले हैं, ग्वालियर से बाहर निकलने में बहुत टाइम लग गया था, तो बताते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। गाइस पहले हम लोग आने वाले थे बाइक से, बाइक लेके हम लोग निकल भी आए थे, थोड़ी दूर तक आ भी गए थे लेकिन बीच में ना बूंदाबांदी आने लग गई, तो हमें लगा कि कहीं तेज बारिश ना हो जाए, फिर डिसाइड किया कि चलो फिर गाड़ी से ही चलते हैं, फिर कहीं खड़ा होना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर कहाँ कहाँ बारिश मिलती है क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, मानसून स्टार्ट हो गया है, तो फिर हमने सोचा चलो फिर गाड़ी से ही चलते हैं। फिर हम घर गए वापस, कार को रखा, सॉरी बाइक को रखा, कार ली और फिर हम निकले। और सच बताओ ना, कार से आने में ना बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि सिटी में ही हमको आधे घंटे से ऊपर लग गया क्योंकि ट्रैफिक में, और बाइक क्या होता है ना छोटी सी जगह से भी निकल जाती है, तो बाइक से मुझे लगता है जल्दी पहुंच जाते हैं, बाइक से हम लोग इसलिए जाते हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन सिटी से निकलने में ही हमें आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है। तो अब देखते हैं, 12 तो हमें यहीं बज रहे हैं, 2-2.5 बजे तक हम लोग वापस आ पाएंगे। अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना अमेजोन ब्यूटी हॉल, आई रियली होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और बहुत टाइम के बाद आज मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ, आप देख सकते हो रेड साड़ी के ऊपर गजरा बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्यादातर चीजें मैं लगा के बैठी हुई हूँ और अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लोग बाय करना क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ पे शादी है, पार्टी है, बर्थडे है या फिर आगे के लिए आप खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो उसको एड टू कार्ट कर लीजिएगा और जब आपका मन करे तब उसको बाय कीजिएगा, ठीक है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक और लिंक मिलेगा माय हॉल स्टोर का, जहाँ पे आपको मेरी सारी फेवरेट चीजें एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस बार मैंने ब्यूटी में क्या क्या लिया है जल्दी से देख लो। दोस्तों अमेजोन पे कुछ ना कुछ ऑफर जो वो चलते ही रहते हैं, तो आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, सेल भी आती रहती है, तो मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ बैक टू बैक और इजिली आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, आपको आपका रिफंड भी बहुत जल्दी मिल जाता है और घर बैठ के आपको शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे आपको जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाती हैं, फास्ट डिलीवरी है। तो मैं बहुत टाइम से अमेजोन से शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे अमेजोन से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक गजरा लिया है जो कि बिल्कुल रियल, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये फेक है। और ये इसकी ये जो गजरा है इसको आप बन में इस तरीके से लगा के किसी भी शादी पार्टी में जा सकते हैं, आपके यहाँ पे शादी है या ब्राइडल के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि ब्राइडल के लिए भी बहुत अच्छा है, इतना तो अफोर्डेबल है, इसका प्राइस है 225। जरूर आप लोग बाय करना, एक बार बाय करना, कई बार आप इसको लगा लेंगे अपने जूड़े में, करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गया, शादी हो गई, किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। और गाइज ये जो गजरा है ना, ये कुछ ऐसे लगाने के लिए नहीं है, ये आपको पूरा एक लड़ी मिलती है बहुत बड़ी सी, जिसको आप ऐसे राउंड राउंड करके आप इसको लगा लीजिए। इसके साथ में पिन भी मिली हुई थी, जो जूड़ा पिन होती है ना वो भी मिली थी, और बहुत अच्छी सी पैकेजिंग होती है अमेजोन वालों की। ये देखिए बबल पेपर के साथ
इस बॉक्स के अंदर मुझे ये मिला था जो कि मैं लगा के बैठी हूँ। सोचा कि आपको पूरा लुक दिखाती हूँ लगने के बाद। आप रील भी देख सकते हैं, मैंने रील भी बनाई है बहुत सारी है। देखिए इसमें जूड़ा पिन भी मिल जाती है, बट जूड़ा पिन मैंने अपनी वाली लगा ली है इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया है। तो आपको इसमें जूड़ा पिन मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है तो आप इजिली रिप्लेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है अमेजोन पे। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने लिए लिया हुआ है ये हेयर पिन, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये देखिए, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जैसे कि मैंने अभी हेयर स्टाइल बनाया है तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा लगती है तो खो जाती हैं, ज्यादातर टूट जाती हैं, तो फिर मैंने ये पूरा पैक ही मंगा लिया है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसमें 24 है शायद, तो 3 से 4 तो मैं लगा करके ही बैठी हूँ, जो कि पूरे ये डब्बे में रिसीव हुई थी मुझे, तो ये भी बहुत काम की चीज है, इसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैंने मंगाया हुआ है व्हाइट काजल, जो कि मैं लगा के बैठी हूँ, आप मेरी आई में देख सकते हैं। और ये जो काजल है मालियो ब्रांड का है, ये इस तरीके से मिला था, मैंने लगाया तो इसको निकाल दिया मैंने। इतना क्रीमी है, एक बार में ही ये बहुत अच्छे से लग जा रहा है। देखो मैं आपको, ये देखिए, एक बार में ही लग जा रहा है। आप इसको एज ए आई लाइनर या फिर काजल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक व्हाइट काजल मंगाया जो कि मुझे चाहिए था। और इसके बाद, और ये टिकटैक वाली जो हेयर पिन है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफी कंफर्टेबल होती है। कोई भी हेयर स्टाइल आपको बनाना है ना तो बहुत इजीली ये लग जाती है और बहुत काम की चीज है। दोस्तों नेक्स्ट मैंने अपने लिए मामाअर्थ की एक लिपस्टिक मंगाई है, जो कि बहुत ही क्रीमी है। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, एकदम क्रीमी है, लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका जो शेड नंबर है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, शेड नंबर इसका 02 है, मलबेरी पिंक। ये देखिए मैं लगा के बैठी हूँ और मुझे अच्छी लगी ये मामाअर्थ की क्रीम, तो मैंने मामाअर्थ की लिपस्टिक मैंने पहले भी एक मंगाई थी, अभी मैंने सेकंड मंगाई है। कलर बहुत अच्छा है, पिंक कलर, जो कि समर्स के लिए अच्छा है ना। तो एक मैंने ये मंगाया हुआ है, इसकी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग प्राइस भी चेक कर लेना, ऐसे मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने ये माई ग्लैम का नेल पेंट मंगाया है, जो कि मिनी नेल पेंट है और ये आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हो। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, लगाया नहीं है, लेकिन कलर इसके बहुत अच्छे है, मैं आपको दिखाती हूँ। कलर सारे ही बहुत अच्छे है, ये देखिए पिंक, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। मैं इसको लगाऊंगी, मतलब पूरे चेंज कर करके मैं मतलब लगाऊंगी, जो कि आप व्लॉग में देखना, ठीक है। मैं बस आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी अभी ओपन नहीं किया है, तो बढ़िया से है। मैं जब लगाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। ये बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी, क्योंकि छोटी छोटी सी है, कहीं भी लेके जा सकते हो आप इनको डाल के, तो एक मैंने ये ली है। इसके बाद दोस्तों ये फेस वॉश मंगाया हुआ है, क्लीन क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश, तो जो कि कॉम्बो में मिला है। तो ये हम लोग बहुत टाइम पहले यूज किया करते थे, बट बहुत टाइम के बाद अभी इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये। तो ये है फेस वॉश जो कि कॉम्बो में है, ये मंगाया। दोस्तों एक मैंने बहुत ही सुंदर सा डायमंड सेट खरीदा हुआ है, जो कि येलो चाइम्स वुमेन्स ब्रांड से है। बहुत छोटे छोटे से इयररिंग्स है, इसको आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ या फिर नेट की साड़ी हो, लाइट वेट साड़ी हो, उसके साथ में आप इसको पहने हो, बहुत स्टैंडर्ड लुक आएगा। और दोस्तों अभी मैंने इसको बहुत वैसे नहीं पहना है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी पहन सकते हैं या थोड़ा सा इसको लूज भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, और इसके छोटे छोटे से इयररिंग्स ना मुझे बहुत पसंद आए हैं। समर्स में मतलब इस टाइप की ज्वेलरी जो है बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए था। देख सकते हो कितने ज्यादा शाइनिंग है इसमें, और एकदम मतलब डायमंड वाला लुक आ रहा है ना। तो इसे रेड कलर के गाउन के साथ, ब्लैक कलर के गाउन के साथ पहनना बहुत अच्छा लगेगा। अभी मेरा जो नेक है वो पूरा अभी मतलब खाली नहीं है, आप देख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसको पहनेगा, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। बस ये है, उसके साथ में इयररिंग्स है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप इसको बाय करना। थोड़ा सा कॉस्टली है बट ज्यादा भी नहीं है, मुझे लगता है कि मार्केट में जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा कॉस्टली मिलेगा, बट ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छा मिल गया इसलिए मैंने इसको लिया शादी पार्टी के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने एक जावेरी पर्ल से ज्वेलरी मंगाई है, जो कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ये तो मुझे बहुत पसंद आती है एंड इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए इस बॉक्स में मिला डबल पेपर के साथ, इसको भी मैंने ओपन मतलब चेक तो कर लिया बट पहन के नहीं देखा था, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है वो सेट, इसमें रेड और ग्रीन का काम हो रहा है, जो कि बहुत सुंदर है और सारी चीजों पे जाता है रेड ग्रीन कलर। एंड इसके ये है इयररिंग्स, और ये मैं कभी पहनूंगी, अभी आपको ट्राई ऑन में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो
ये है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, काफी अफोर्डेबल है, तो आप इसको भी बाय कर लेना। दोस्तों एक मैंने स्लिंग बैग लिया है जो कि है व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर है बट इसमें थोड़ा सा सिमरी सिमरी जैसा है, शाइनिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अमेजोन ब्रांड का है और ये कलर सच बताऊं मेरे पास था नहीं, तो मुझे एक व्हाइट चाहिए था। व्हाइट और ब्लैक जो होता है ना और रेड होता है, जो कॉमन कलर होते हैं बहुत सारे आउटफिट के साथ में चले जाते हैं, तो मैंने एक ये बैग लिया है जो कि बहुत अच्छा है। और दोस्तों अमेजोन पे ना कोई सेल चलती रहती है, जब मैंने इसको बाय किया था ना तो ये थोड़ा सा महंगा था, मतलब 100-200 रुपए ये महंगा ही था, और अभी जब मैंने देखा है ना तो ये थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग एड टू कार्ट कर लिया करो, कोई ना कोई सेल चलती रहती है अमेजोन पे, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लिया करो। तो मुझे थोड़ा सा महंगा मिल गया लेकिन आपको सस्ता मिल सकता है, इसलिए आप फटाफट से जाके इसको बाय कर लेना। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैग में भी एक जिप दी हुई है, ठीक है, और एक यहाँ पे दी हुई है, इसको आप सूट के साथ, गाउन के साथ, और अंदर भी जिप है, ये देखिए इसमें अंदर भी जिप दी हुई है, बाकी का इसमें तो ये सब कुछ भरा हुआ है, जो कि मैं निकाल देती हूँ आपको स्पेस दिखाती हूँ। स्पेस तो इतना है ना इसके अंदर दोस्तों, आप स्पेस देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं, मेकअप रख सकते हैं टचिंग के लिए, अपना फोन रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं, एंड दोस्तों इसमें एक जिप दी हुई है और एक इसमें पॉकेट भी दी हुई है, ये पॉकेट भी दी हुई है, और अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाय करना। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, फिर से बोल रही हूँ मैं, माया स्टोर को चेक कर लेना जिसपे आपको पिक्चर प्राइस के साथ में चीजें दिखने को मिल जाएंगी। चलिए अपने ब्लॉग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आप वही तो कह रही हूँ मैं, यहाँ से पैदल, यहाँ से चली जाऊँ वहाँ तक पैदल? हाँ चली जाऊँगी, उधर से वहाँ तक घूम के पैदल आ जाऊँगी, मैं यहीं से चली जाऊँगी। नहीं यहाँ से तो मैं, अगर लंबा लग रहा हो तो वहाँ वहाँ तक तो जा ही रहा हूँ, चौराहे तक। ठीक है, जब वहाँ तक पहुँचे वहाँ से थोड़ा मुड़ के आओगे ना पीपल के नीचे, ऑटो ने टेम्पो ने मुझे वहीं पे छोड़ा था पहले, तो उधर से जाना है, किधर से जाना है? उधर से चली जाऊंगी। तो गाइस हम लोग अभी ग्वालियर में एंटर हो गए, मतलब ग्वालियर में आ गए हैं, और ये मुझे छोड़ देंगे, अब इनको ना हैबिट हो गई है, इनको पता है ये चली जाती है अकेले, अभी मैं यहाँ से जाऊंगी अकेले अपने घर तक, क्योंकि मुझे रास्ते में छोड़ रहे हैं यहाँ से, इनको काम काम से जाना है क्योंकि हम लेट हो गए, ऑलरेडी 3:30 बज गए हैं, कुछ खाया भी नहीं है यार, भूख लग रही है। 2 बजे तक का ही टाइम था मेरे पास, घर जाके सबसे पहले मैगी बनाऊंगी अपने लिए, फिर खाना बनाऊंगी, आप भी कुछ खा लेना, ठीक है, टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे, कुछ था ही नहीं कुछ खाने पीने के लिए। जी भैया तो दोस्तों इन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, और जहाँ इन्होंने मुझे छोड़ा था वहाँ से मेरे घर तक का ऑटो वाले भैया चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़, कोई कर रहा था 150 रुपीज़, तो मैंने लिया टेम्पो जो कि 10 रुपीज़ में मैं अपने घर पहुँच गई। तो यार ऐसे थोड़े थोड़े पैसे बचाने चाहिए ना, फालतू का पैसा क्यों देना, ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मैं अपने घर पहुँच गई। यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग खोला और घर आके फटाफट से हैंड वॉश किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, पानी पिया, उसके बाद मैं किचन में लग गई, सब्जी मैंने चॉप की और एक मैंगो खा लिया था मैंने, जिससे थोड़ी मुझे भी राहत मिल गई। उसके बाद यहाँ फिर मैं बना रही हूँ लंच, तो आज मेरा लंच बहुत ही लेट बन रहा है, हमें लगा था कि हम रास्ते में कुछ खा लेंगे लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ खाने को मिला नहीं, ऐसे मतलब सही नहीं था खाने पीने के लिए, तो हमने कुछ भी नहीं खाया। और फिर घर पर आके मैंने बनाया, सुबह हम लोग 2-2 चपाती खा के गए थे, तो मतलब नाश्ता टाइप हमने कर लिया था लेकिन जल्दी जल्दी में खा के गए थे, लेकिन फिर भी भूख तो लग ही आती है ना, और फिर कहीं आप बाहर जाते हो फिर लौट के आते हो तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, और इतनी देर में मैंने बर्तन भी लगा दिए, फटाफट से सब्जी बनेगी, इतने ही टाइम में मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। और मेरी साधना से भी बात हो गई थी, रास्ते से ही मैंने साधना से बात कर ली थी, तो उसने बोला था कि आधे घंटे के बाद वो मेरे घर आ जाएगी, तो अभी आएगी तो मैं आपको मिलवाऊंगी। सब्जी बने रख दी है, आटा लगा के रख दिया, नहीं आटा भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे, पहले बर्तन साफ़ कर दे रही हूँ, सुबह हमने नाश्ता पानी वगैरह किया था ना, वो सारे बर्तन मैं छोड़ गई थी, बहुत जल्दी हो रही थी जाने की, तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा काम नहीं किए थे, बस घर का काम किया, झाड़ू पोछा किया था, नहाया पूजा की, और बस 2-2 चपाती खाई और चले गए थे हम लोग। तो बस यहाँ पे अभी मैं आटा लगा रही हूँ, बर्तन साफ करके मैंने रख दिए हैं, तो ऐसे फटाफट से मैंने सारे काम किए, क्योंकि यार भूख लग रही थी बहुत तेज़। इस टाइम पे याद आती है कि यार कोई हो ना तो खाना बना हुआ मिल जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल है ना लाइफ में, तो वो तो करना ही है। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और इसके बाद में फिर मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। थोड़ी देर के बाद ये भी आ गए थे, इन्होंने पहले मुझे छोड़ दिया, काम से बहुत अर्जेंट काम था तो इन्होंने मुझे छोड़ना ही पड़ा,
फिर मैं टेम्पो से आ गई थी। मतलब जहाँ इन्होंने छोड़ा था वहाँ से मेरे घर तक का रास्ता बहुत ही कम था, उसमें चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़, कोई बोला था 150 रुपीज़, इन्होंने बोला था कि ऑटो ही ले लेना। मुझे लगा कि चलो 50 रुपीज़ तक अगर लेता है तो ठीक है, तो मैं ऑटो से ही चली जाऊँगी, फिर नहीं मान रहे थे तो फिर फटाफट से मुझे टेम्पो दिख गया तो मैं टेम्पो से ही आ गई। थोड़ा सा चलना पड़ता है टेम्पो से आते हैं तो, घर तक तो आना ही पड़ेगा ना, पैदल घर तक तो टेम्पो आएगा नहीं। ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, तो मैं तो भैया से थोड़े थोड़े करके पैसे बचाती हूँ यार, मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, हर लेडीज़ की होती है ना। तो बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, ये आ गए हैं तो पहले मैं इनको खिला दूँगी और फिर मैं अपना लंच करूँगी। A few moments later. तो गाइस मैं लंच करके बस बैठी ही हूँ, साधना आ गई। देखो दोस्तों साधना आ गई और ये शैतान लड्डू भी आ गया हमारा। लड्डू, ए लड्डू आप कहाँ पे आए हो बेटू? लड्डू ने आधे कांड कर दिए इसके। आते से इसने हमारा उड़ता हुआ ये इसको कट कर दिए, इसके पैर इसने फाड़ दिए, इसको ऐसा चिपका देंगे। लड्डू आ जाओ, लड्डू। हाँ ठीक है, इसे खा गया यार। निकाल दो उसको, निकाल दो। अच्छा हेलो तो कर दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आई हूँ अंजलि के घर, अब मैं इसको इतना परेशान कर दूंगी बहुत ज्यादा। कैसे परेशान करोगी? और दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी हंसी ऐसी है। और घुसेड़ दो, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा दूर, मोटी हूँ और मोटी लगूंगी मैं इतनी। मतलब अंजलि के लिए कमेंट आते कैसे पागलों की तरह हंस रही हो मतलब जो अंजलि के हेटर्स हैं तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी ना बोल रहे कि ये तो अंजलि से भी ज्यादा पागल है, तो और भयंकर तरीके से हंसती है। हम तो ऐसे ही हंसते हैं और ऐसे हंसना भी चाहिए यार, खून बढ़ता है पता है, तो मैं खुश रहना चाहिए। अचानक से क्या थोड़ा सा प्लान था हमारा कल से आने का। हाँ तो कुछ अर्जेंट काम से आई थी मैं, और वो काम करके फिर मैं चली जाऊंगी, मैं किसी को नहीं लेके आई, पसंद तो आए। आज नहीं जाने दे रहे हम तुमको, आज तुम्हें यही रोकेंगे। आए भैया का फास्ट है, ये उसी दिन आती है जिस दिन भैया का फास्ट होता है। ऐसा क्यों है? और मैंने अंजलि को पागल बनाया, एकदम मैं गेट पे आ गई ना तब तक मैंने बोला 10 मिनट और लगेगी, लेकिन मैंने पहचान लिया मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने दोस्तों में लिपस्टिक लगाते रह गई थी, लेकिन लगी है फेस पे देखो, मैं लिपस्टिक लगाते रह गई थी तो ये बोल रहे थे ऐसे कहाँ जा रही हो तुम, तो मैंने कहा यार लिपस्टिक और कुछ नहीं तो लिपस्टिक तो लगा ही लेती हूँ, तो फिर मैंने लिपस्टिक लगा दी और रख दो होंठ पे जूम करके। नहीं रखा, जूम करके नहीं रखा। लड्डू लड्डू हेलो कर दो, सफाई करी है अब ये लड्डू बेटा, मौसी के घर आए हुए खेलने दो उसको। लड्डू लड्डू ये क्या है? नहीं यार नहीं खाते। मुझे तो मैं लगाऊंगा। क्या बातें कर रहे हो? अच्छा यार बारिश आने वाली, जल्दी चलो। कौन कौन कह रहा है? बादल गरज रहे हैं। कौन कौन चलो चलता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लड्डू इसको भी देगा तो उसको भी निकाल देगा वो वाला, पता है? उसको निकाल दिया क्या? वहाँ उसके पैर तोड़ दिए उसने, तोड़ दिए। वो मच्छर उड़ रहे हैं, देखो कितने मच्छर। बेटू पैर तोड़ दिए आपने? हाँ तोड़ दिए। मुझे कह रहा है इधर चलो। है ये आएगा, ये आएगा। A few moments later. हो रही है खतरनाक गर्मी है भैया, चलो हालत खराब हो रही है। सो गाइस अभी हम लोगों ने डाल दिए ब्लाउज स्टिचिंग के लिए डालने आए हैं। ये है मेरी साड़ी, साधना ने भी एक डाला, देखते हैं साधना को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ पे मैं आती हूँ दीदी के पास में पहनावा टेलर, मेरे घर के पास में ही है। ये एरिया कौन सा पड़ता? विनय नगर सेक्टर नंबर 4 विनय नगर में है पहनावा टेलर। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अंजलि ने इतने ब्लाउज सिलवा लिए और एड्रेस ही नहीं पता मुझे, क्या करना एड्रेस? मैंने कभी नहीं करना। मैंने इनका बोर्ड दिखा दिया था एक दो बारी अपने वीडियो में, बोर्ड दिखाया है तो
स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो ना इसलिए। अभी मैं सिलवा रही हूँ एक ब्लाउज और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा है कैसा है, क्योंकि मेरे ब्लाउज अच्छा तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है ना। अच्छा अच्छा मैं अच्छा ये इनका ये बोलना चाहती है कि मैं अपने ब्लाउज जो है ना दिखाऊंगी, मतलब नहीं मेरे ब्लाउज कलेक्शन डले हुए हैं ना अभी तक, तो मैंने भी नहीं देखे, सिर्फ वीडियो में ही देखे, मेरे चैनल पर डले हुए हैं। इनका ब्लाउज कलेक्शन जो है ना वायरल है और ये खुद से ब्लाउज बनाती है, एक यार बच्चे के कारण बना नहीं सकती इसलिए दीदी के पास आई बनवाने के लिए। मैं तो भैया यहीं पे बनवाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता यार बच्चों से है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं। पार्टी के पीने के लिए कैसी लगी, ज्यादा मत खाओ नहीं तो और मोटी हो जाओगी। अंजलि बोल रही थी बहुत अच्छी है, बट अच्छी है बट आज अच्छी नहीं थी, सील सीली सील गई है, मतलब उस मॉइस्चर आ गया है आज जो ज्यादा टेस्ट नहीं आया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। पटाना चाहिए क्या उधार है, कितना भी कर लो बुराई कर रही है मेरी, बोलो मैं बहुत बेकार लड़की हूँ है ही, ठीक है मैंने इसने मुझसे कुछ मांगा था, इनके पास इतना अच्छा सा खेल रहा था, पता है मैं एक बार चेक भी कर गई, हम लोग पानी पूरी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, तो लड्डू बहुत अच्छे से खेल रहा था यार अपने मौसा जी के पास। अच्छा वो भैया आपने नहीं नहीं पी, तुम्हें पता नहीं आता, नहीं आता उसको क्रिस्पी नहीं थी आज, सीली हुई थी। अंजलि ने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने बोला ठीक है मैं दूंगी और कल ही दूंगी, और आज अंजलि ने वो चीज ली नहीं मुझसे, तो फिर ऐसे गंदी बात। अब डबल ले लूंगी ठीक है। One hour later. तो दोस्तों साथ ना आई थी तो मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं की, फिर मैं हम लोग ब्लाउज स्टिचिंग के लिए डाल करके घर पे आए वापस, फिर हमने मैगी बनाई, हम लोगों ने सबने मैगी खाई, मैगी खाने के बाद अभी साथ ना जा रही है, भैया आए हैं लेने के लिए तो अपने घर वापस जा रही है। आजकल मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, रीज़न नहीं पता क्या है यार, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। कल तो पता है मैंने टैबलेट ली थी उसके बाद मैं सो पाई थी क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और अभी मेरी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैं नहा के और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ी देर किया मतलब एक डेढ़ घंटा तो हो गया होगा मैंने रेस्ट किया अभी, उसके बाद फिर मैं किचन में गई, बर्तन साफ करके आई हूँ, सारे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन साफ करने के बाद में अभी मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक मैंगो, क्योंकि अपना डिनर करने का मन नहीं है तो मैं बस एक मैंगो खाऊंगी और फिर हम लोग सो जाएंगे। 10:30 बज गए हैं, साधना चली गई अपने घर, ये किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया इनको फ़ोन पे बातें करते करते, यार मैं बहुत परेशान हूँ इतना फ़ोन पे बातें करते ना ये, और मुझे ना कोल्ड ऐसा लग रहा है क्योंकि ना सर्द गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, तुरंत एसी में फिर एसी से बाहर जाओ, गर्मी ठंडा पानी, और ठंडा पानी ना पियो ना तो प्यास नहीं बुझती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है, मतलब मैं आई हूँ उस दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, वैसे पहले हो रही थी यहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस रूम से बाहर निकलने का मन करता नहीं है, तो अभी मैं बस थोड़ी देर के बाद सो जाऊँगी और बाकी का व्लॉग जो है मैं कल कंटिन्यू करूँगी। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। अंजलि हो गई तैयार, चलो बैग भी लगा लो अपना, डबरा छोड़ दूँ तुमको, डबरा कहाँ जाते हैं बताओ, डबरा में तो मेरा मायका है, डबरा में ससुराल भी है तो चलो ससुराल छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अरे चलना है सही में, अरे मैं कहीं नहीं जा रही अभी, मैं सारा सामान इसमें भर के रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारा फैल रहा है, ये बैग लगा लो इसी में, इसी को लेके चलेंगे सर, अरे कपड़े लंबे समय के लिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सारे कपड़े इसी में लगाओ, क्या कहाँ ले जा रही हो, मायके ससुराल, ससुराल मायके, नो देखो फालतू बातें मत करो, क्या फालतू बातें हैं, ससुराल के नाम पे आता है मुझे फीवर मुझे क्या सबको ही आता है, ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस मुझे चेंज करना है फटाफट से, वीडियो एंड करती हूँ, नहीं सबको ऐसा तो नहीं है, वीडियो एंड कर रही हूँ मैं, और देखो कितना फैलता है ये सब लगा लो, बहुत दिन के बाद मैं तैयार हुई ना अच्छे से, मैं कैसी लग रही हूँ, डेली तो तैयार होती हो तुम अंजलि, ऐसे कब होती हो गजरा वगैरह लगा के, हाँ गजरा जरूर अभी लगाया तुमने, गजरा वगैरह लगा के तैयार नहीं होती यार, मैं इतना भी बदनाम ना करो यार मेरे को कि मतलब मैं तैयार ही रहती हूँ, ठीक है ससुराल चलो, नहीं तो देखो पीछे क्या रखा है, क्या रखा है देखो, डंडा ज्ञान सिंह, ये ज्ञान सिंह है इनसे ज्ञान आता है, ये डंडे से पिटाई करोगे, ये डंडा यहाँ आया कैसे, लेकिन जी बताओ पहले कुटाई करी होगी तुम्हारी कभी तो फिर बड़ा वाला बैग लगा लूं फिर मैं, हाँ यही मायके के लिए, ससुराल के लिए, मायके के लिए,
मायके जाती है लड़की इतना बड़ा बैग लेकर के, तो ससुराल नहीं जाती ना। रख लो ये भर के रख लोगे अंगली तुम, सही ना होता। नहीं रखूंगी, भारी लगता है। चलो बाय बाय दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारा सामान मुझे लेकिन रखना है जगह पे, ठीक है। बाय बाय, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना। जा रहे हैं? नहीं जा रहे, चलो।